मैं हूं शरद बाघेला। ये देखते हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की खबरें। खबर रायपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी के कृषि विश्वविद्यालय में मध्य क्षेत्र के राज्यों में सहकारी आंदोलन के समक्ष अवसर और चुनौतियां विषय पर आयोजित सम्मेलन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कई मंत्री और विशेषज्ञ मौजूद थे। सम्मेलन में सहकारिता को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर मंथन हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सहकारिता आंदोलन का लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज प्रतिस्पर्धा का युग है, आपकी लड़ाई कॉरपोरेट से है, इस स्पर्धा में आपको आगे आना होगा। आपको बता दें कि क्वांटिटी के साथ ही क्वालिटी पर भी ध्यान देने की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही और साथ में होटल संचालकों से अपील की कि मेन्यू कार्ड में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को स्थान जरूर दिया जाए। परिवर्तन आया है, इसे और तेजी लाने की आवश्यकता है और यहाँ के सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, शासन हर स्तर पर उन्हें सहयोग करना चाहती है, उसे बढ़ावा देना चाहती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय द्वारा सरकार की तारीफ किए जाने को लेकर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो आदिवासियों के हक में लगातार फैसले किए हैं वो अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। साय जी ने और अन्य आदिवासी नेताओं ने इसकी प्रशंसा की है। अच्छे कार्यों की प्रशंसा हो तो अच्छी बात है, इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा करने वाले बीजेपी नेता और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने दो दिन पहले राज्य सरकार द्वारा आदिवासी हितों के लिए गए फैसले पर सरकार की जमकर तारीफ की थी। जो वर्षा की स्थिति है उसे लगातार हम लोग नजर रखे हुए हैं। पिछले दिनों भी मंत्रालय में बैठक हुई है, सारे कलेक्टर और प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो सब अपने प्रभार जिले में जाए कि ब्लॉक के बारे में वर्षा स्थिति के बारे में जानकारी मैदानी स्तर पर लें और इसके बारे में हम लोग सभी अधिकारी और राजनेता उस पर नजर रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में सूखे के हालात पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सूखे की स्थिति पर सरकार की नजर लगातार बनी हुई है। बीते दिनों मंत्रालय में बैठक हुई थी, प्रदेश के सभी कलेक्टर और प्रभारी मंत्रियों को एक एक ब्लॉक के बारे में मैदानी स्तर पर जानकारी दी जाएगी। स्थिति पे जो वर्षा की स्थिति है उसे लगातार हम लोग नजर रखे हुए हैं। पिछले दिनों भी मंत्रालय में बैठक हुई है, सारे कलेक्टर और प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो सब अपने प्रभार जिले में जाए कि ब्लॉक के बारे में वर्षा स्थिति के बारे में जानकारी मैदानी स्तर पर लें और इसके बारे में हम लोग सभी अधिकारी और राजनेता उस पर नजर रखे हुए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यशाला में शामिल होने गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि विकास कार्यों के लिए जारी होने वाली राशि अब जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर से भी स्वीकृत होगी। जो पहले सीएमओ के हस्ताक्षर से अनुमोदित होती थी अब फिर से विकास कार्यों के लिए महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष समेत अन्य जनप्रतिनिधि राशि स्वीकृत कर सकेंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने विकास कार्यों के लिए सभी नगर पंचायतों को 50-50 लाख और प्रदेश के सभी नगर निगमों में उनकी जनसंख्या के हिसाब से 5 से 10 करोड़ रुपए देने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी की अध्यक्षता में बीजेपी सदस्यता अभियान की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रथम सत्र में जहां महापौर और पार्षद को भी अभियान के लिए जिम्मेदारी दी गई तो दूसरे सत्र में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। विक्रम उसेंडी ने कहा कि अब तक की सदस्यता अभियान की प्रगति को लेकर समीक्षा की जाएगी। सभी कनिष्ठ, वरिष्ठ और सदस्य सदस्यता अभियान में जुटे हुए हैं। लगभग 5.25 लाख के आसपास प्रदेश में सदस्यता हो चुकी है। 20% नए सदस्य का जो लक्ष्य दिया गया है उसको पूरा कर और उसे आगे भी लाने की कार्य योजना बनाई गई है। हम सब लगे हुए हैं और निश्चित रूप से अभी जो इसका शुभारंभ हुआ है 6 जुलाई से और 11 अगस्त तक चलने वाला है, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में एक शहरी क्षेत्र में क्या अधिकतम स्थिति है सदस्य अभियान को लेकर के इसमें बहुत सारी चीजों की समीक्षा के साथ साथ आने वाले समय में ठीक है चर्चा तो होगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग में कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है और साथ ही बैठक में सारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने पर भी चर्चा की गई।
महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को लेकर स्वराजी गांव योजना से लगभग 19 गांव में ग्रामीणों का विकास हो रहा है। तय किया सरकार का जो निर्णय है उसको आज हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोगों ने इसको पहुंचाने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हमने वायदा किया हुआ था अपने जन घोषणा पत्र में उसको लागू किया जाएगा, जो शेष है उसको आने वाले समय में हम लागू करेंगे और उसी को लेकर के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्रामीण जनमानस तक पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जशपुर सर्किट हाउस पहुंची, जहां पर झारखंड की राजधानी रांची से सड़क मार्ग से होती हुई वहां सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र और देश के विकास के लिए काम कर रही है। वहीं मानव तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होने की बात रेणुका सिंह ने कही। क्षेत्र की बदनामी होती है, हमारे सरगुजा संभाग की बदनामी होती है और हमारे पास जानकारी आएगी तो चाहे प्रदेश सरकार के माध्यम से या तो फिर केंद्र सरकार के माध्यम से ऐसे मानव तस्करी को रोकने का प्रयास हम करेंगे। आरटीआई के संशोधन बिल का सदन को लेकर देश भर में विरोध जारी है और इसी कड़ी में राजपुर में भी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान राजनंदगांव से भाजपा सांसद संतोष पांडे ने इस बिल को राष्ट्रघाती और देशद्रोही बताया है। आप सभी जानते हैं, सदन की कार्यवाही देख रहे हैं, केवल एक व्यक्ति डिवीजन मांगता है, ओवैसी मांगता है और उसको मालूम है कि सामने में जो संख्या है ये 300 पार है और बार बार डिवीजन मांगता है, बार बार भारतीय जनता पार्टी जीतती है। इस समय भी वो चाहे जो मांगे, वास्तव में ऐसा कहें कि एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बना है और जब राष्ट्र के विषय में बात हो रही है तो राष्ट्रद्रोहियों को राष्ट्रघातियों के मन में और उसके खेमे में खलबली पैदा हुई है। महाविद्यालय कुंडागांव में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम में अधिकारियों की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में योग दिवस का आयोजन, सत्र 2019-20 की कार्ययोजना, पौधरोपण, छात्र पंजीयन और सलाहकार समिति के गठन जैसी अन्य गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। वहीं कार्यक्रम अधिकारियों ने संचालन में आने वाली परेशानियों पर भी अपने विचार रखे। सीओ की संरक्षण में सचिव की मनमानी खूब चल रही है और अपने प्रभार वाली ग्राम पंचायत में सचिव जब से प्रभार लिए हैं तब से काम करने नहीं जाते हैं, जिससे ग्राम पंचायत की सारी व्यवस्थाएं काम सब अवरुद्ध हो गए हैं। ये मामला जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के ग्राम पंचायत पीपर भवन का है, जहां पर प्रदीप यादव सचिव के रूप में एक साल से प्रभार पर हैं। सरपंच, पंचों और ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव को सीईओ संरक्षण दे रखे हैं, जिसकी वजह से सचिव ग्राम पंचायत नहीं जाते हैं और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और इसके अलावा अन्य जो काम होते हैं वो ग्राम की अन्य विकास कार्य उस वजह से अवरुद्ध हो गए हैं। सरपंच प्रतिनिधि ने सचिव पर यह भी आरोप लगाए हैं कि सचिव सरपंच का फर्जी हस्ताक्षर कर राशि भी निकाल लेते हैं। सचिव के इन सारी कारनामों से परेशान होकर सरपंच, पंच, ग्रामीणों ने कलेक्टर, जनदर्शन और सीओ को सचिव को हटाने के लिए कई बार आंदोलन लगा चुके हैं, पर सचिव पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब परेशान सरपंच, पंचों और ग्रामीणों ने जल्द ही सचिव को पंचायत से हटाने की मांग की है। अगर सचिव को सीईओ नहीं हटाते हैं तो जनपद के सामने धरना प्रदर्शन होगा और सामूहिक सरपंच, पंच इस्तीफा दे देंगे। ग्राम पंचायत में आवत जावत नहीं और कहता थे सेफ्टी के जो अभी 71 आदमी के नाम है वो सूची मोला नहीं दे, वो दूसरे आदमी दे दे और कुछ भी बोले ला वो धमकावा तो ऐसे राशन कार्ड अकार दूंगा, वो कर दूंगा, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। किसी भी दस्तावेज में दस्तखत काम काज के लिए सचिव का पड़ता है तो जाना पड़ता है, जबकि उनको रहना चाहिए। ग्रामीण सचिवालय कभी लगाता ही नहीं है, जब से प्रभार लिया तब आया ही नहीं है, वो दो चार दिन कभी आ गया साल भर में वो अलग बात है। पूरे मतलब सचिव को हटाना है, हटा है कैसे? वो आज तक ग्राम पंचायत में आना जाना नहीं करे, पब्लिक कुछ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सरसिवा बुलवाते, सरसिवा जाते पब्लिक है। छत्तीसगढ़ में 15 जून से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन प्रदेश के कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे बिना शिक्षक के ही पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
महासमुंद जिले का ये मामला सामने आया है, जहां पर हाथी से प्रभावित गांव अचानकपुर के सरकारी स्कूल में बच्चे बिना शिक्षक के ही पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, और उसके विरोध में जो अभिभावक हैं, पालक हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जल्द ही शिक्षकों की व्यवस्था करने की मांग की है। अरे माए हैं लोग लेकर सब खुला बुला थे ओखर बारे माए हैं ओकरे मांग के लिए और नहीं दी टीचर बंद करे स्कूल बंद कर। जिसके नाम से टीचर के मांग करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के पास आए हैं। कितने साल हो गए आप लोग? एक साल हुआ है, दूसरा सत्र चल रहा है। सेटअप में मिडिल स्कूल का दिए थे और हम लोग गांव वाले भी मिलके एक दो टीचर व्यवस्था किए थे। तो चार टीचर मिडिल स्कूल में है, हेडमास्टर भी हैं, तो उनके निर्देशन पे कक्षा 9 चला और गांव वालों का भी सहयोग हमें उसमें मिला है। इस सत्र में चूंकि बच्चे 10वीं में भी आ गए हैं तो निश्चित रूप से टीचर की आवश्यकता है। और बिलासपुर के प्राइवेट स्कूल की मनमानी जारी है, जिसकी शिकायत पालक संघ ने शिक्षा विभाग से की है। विभाग के संयुक्त संचालक ने जांच में आरोप को सही पाया और कहा है कि कहीं सरकारी किताब नहीं तो कहीं फीस मनमानी ढंग से वसूली जा रही है। स्कूल में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। सरकार के पास इन शिक्षा माफियाओं को ठीक करने के लिए कोई ठोस प्लान अब तक नहीं है, जिसके कारण आम आदमी इनका शिकार हो रहा है। अब संयुक्त संचालक के रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई होगी, इसका इंतजार है। कि कलेक्टर साहब ने जो निर्देश दिया था या जिसमें लोग सहमत हुए थे उसका पालन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, ये इसके लिए विहित अधिकारी हैं राज्य शासन से, स्कूल शिक्षा विभाग से, जिला शिक्षा अधिकारी, उनको लिखा है। राजेंद्र कुड़ेमा गांव में मिडिल स्कूल में हुई शर्मनाक घटना के बाद छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि 20 जुलाई को स्कूल के प्रिंसिपल ने शराब के नशे में लड़कियों के साथ छेड़खानी की थी। ग्रामीणों ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना के बाद से प्रिंसिपल फरार है। ऊपर बात शराब पी के सर हम खाना खाते हैं तब की जाना ही सी तुम खाना ताने नथली वाले ले से की से मैं तो मैं गर्लफ्रेंड है की सर भुवनेश्वर दुर्गा प्रधान पाठक तो हम खाना खा रहे हैं ना ए सपन हाँ ऐसे की इसके दो सर हफ्ते में गर्लफ्रेंड है रास्ते अभी शादी पड़ा था आठ तक सिरा देखी। कौन बोला है? सर अजूरा वाला। क्या नाम है उनका? बिहार दुरु। तो क्या नशे वशे की हालत में थी नॉर्मल थे? नशे की हालत ये लड़की इसमें अपनी ने कि नाना गाड़ी गलो दे थे और अंदर कर दिया था लेकर मैं भक्का रहे हूँ उसकी हम गुरु जी मन कर रही सोचा तो गुरु जी इसके हों निषाद बोला गाड़ी फिर बैठती गए हम तो बोला समझाए गए चुटते हो बाल बच्चों को क्यों तुम दबा रहे हो अब अंदर क्यों लगा रहे हो उसी बंद करके रखे थे आप? हाँ। कौन बंद किया था? सर धुरी। बेमेतरा जिला मुख्यालय में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास की हालत बद से बदतर है, जहां बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है और जिला मुख्यालय के निकट होने के बावजूद जिम्मेदारों को यहां की कोई परवाह नहीं है। छात्रावास का पोर्च, रसोई हॉल, रूम, बाथरूम सभी जगह दरारें हैं और लगातार भवन, छत और दीवारें गिर रही है और नीचे छोटे छोटे बच्चे पड़ रहे हैं। भवन की स्थिति क्षतिग्रस्त है, काफी दयनीय स्थिति में है। कभी भी प्लास्टर जो है छत का वो नीचे गिर रहा है और कमरों की स्थिति भी खराब है। छह सात दर्जन है दर्जन की स्थिति में, जिसके लिए कंटिन्यूस हम राशि की मांग कर रहे हैं और राशि अभी मिली भी हमको, एक बार देखना दस बार की राशि मिली है जिसमें अभी टेंडर अनुबंध कराया गया है, अभी जो मरम्मत की प्रक्रिया है वो पूर्ण की जाएगी। कसडोल में कृषक ऋण तिहारा का विरोध हो रहा है। कृषक ऋण त्योहार मनाने की तारीख 28 जुलाई तय की गई थी, लेकिन अब सोसाइटी के सदस्यों ने कृषक ऋण माफी प्रमाण पत्र बंटने के पहले ही बांटने का हवाला देते हुए ऋण माफी तिहार नहीं मनाने का प्रस्ताव पारित किया है और सदस्यों ने ऋण माफी तिहार से हो रहे आर्थिक नुकसान का हवाला दिया है। वही राशि को विकास कार्यों में लगाने की बात ग्रामीणों ने कही है। जो भी करना सोसाइटी में तो गोदाम है सामान रखने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, उसके लिए खर्च करना है जी। हमारे सोसाइटी में लगाओ और काय बोल दिया
कारण है। दुलार सर थारा के ऋण माफी कभी नहीं आए, एक हमन ला परेशानी जाते हमन एक पहले हमन खर्री में सोसाइटी की एक करके अभी कर चुके 10 लाख थे, अभी वो भी नहीं हो पाते। जिला हॉस्पिटल दंतेवाड़ा में निजी कैंटीन संचालक को फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारियों ने जिन सरकारी खजाने से 15 लाख रुपए अग्रिम जारी कर दिए हैं, शासन के नियमों को ताक पर रखकर सिविल सर्जन ने इतनी बड़ी राशि जारी की है। अब तक जारी 15 लाख अग्रिम राशि में से महज 8 लाख रुपए ही वापस आए हैं। इतना ही नहीं, कैंटीन संचालक बेधड़क घरेलू सिलेंडरों का भी इस्तेमाल जमकर कर रहा है। इधर पूरे मामले में अब अधिकारी लीपापोती कर ब्याज के साथ पैसे वसूलने की बात कर रहे हैं। साथ ही कैंटीन संचालक को घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल के लिए नोटिस जारी करने की भी बात कही गई है। बात करते हैं धर्मजयगढ़ की, जहां पर स्थानीय प्रशासन की अनदेखी और घोर लचर व्यवस्था से परेशान होकर एक परिवार सड़क पर लेट गया है, जिसके बाद दोनों तरफ जाम की स्थिति देखने को मिली। इधर मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार को उठाने की कोशिश की। पीड़ित परिवार की माने तो जमीन विवाद को लेकर अनुविभागीय राजस्व धर्मजयगढ़ में प्रकरण लंबित है, जिसका फैसला आना बाकी है, लेकिन फिर भी मामले में पड़ोसी परिवार को प्रताड़ित कर रहा है, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इधर पूरे मामले में पुलिस ने जांच करने की बात कही है। नाली बंद किया, थाने ने रिपोर्ट किया, तहसीलदार साहब को दिया, एसडीएम यहाँ दिया रिपोर्ट, कोई सुनवाई नहीं है। पानी रोक रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कौन जवाबदार है लोग बताओ? मैं मारूंगा प्रशासन के नाम से लेकर मारूंगा, मैं आवेदन लिख के आया हूँ आज। मुंगेली में कर्ज माफी जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं का उचित प्रचार प्रसार नहीं होने से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अर्जुन तिवारी ने नाराजगी जाहिर की है। तिवारी मुंगेली के बरेला में आयोजित कृषक ऋण माफी तिहार कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कर्ज माफी योजना का सही तरीके से प्रचार प्रसार नहीं होने की शिकायत की, जिस पर उन्होंने जिला प्रशासन पर नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द ही इस मामले पर मुंगेली कलेक्टर से चर्चा करने की बात कही है। देखिए छत्तीसगढ़ में जैसे ही कांग्रेस का सरकार बना, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, किसानों के हित में कर्जा माफी और समर्थन मूल्य में 25 रुपए अनुदान कर दिए। आज कृषक ऋण माफी का त्यौहार पूरे जिले में मनाया जा रहा है। आज बरेला में भी कृषक ऋण माफी का त्यौहार मनाया गया है, जिस तौर पर किसानों में उत्साह है, उनका कर्ज माफी खेती बाड़ी की पूर्णता निर्भर है, उन लोगों में अभाव उत्साह है। जहाँ जहाँ हमारे कांग्रेस परिवार के निर्वाचित प्रतिनिधि जा रहे हैं कृषक ऋण माफी त्यौहार में भाग लेने के, वहाँ पर अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस बात का परिचायक कि भूपेश बघेल की सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका किसानों ने दिल से भरपूर समर्थन। गोरल्ला में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया और इस सड़क हादसे में ऑटो में बैठे 18 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। पूरा मामला सकोला गांव का बताया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच करने की बात कर रही है। कोरबा में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बांगो थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक बाइक खड़े ट्रक में जा घुसी और इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहां सांकेतिक बोर्ड वगैरह लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे इतने लोगों की जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है, कृपया वाहन धीरे चलाए, अंधा मोड़ है, ये ब्लैक स्पॉट है, ऐसा अभी सांकेतिक बोर्ड कोरबा जिले में पुलिस अधीक्षक श्री मीणा साहब एवं एडिशनल एसपी श्री जयप्रकाश बड़ई साहब के मार्गदर्शन में तैयार करवाया गया है और जो अभी रोड जहां जहां दुर्घटना स्थल है वहां पे लग जाएंगे। गड़ियाबंद में एक व्यापारी से 20 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। व्यापारी ने सिटी कोतवाली में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित के मुताबिक श्योर मार्ट के संचालक ने अपने माल की फ्रेंचाइजी देने का लालच देकर उससे 20 लाख रुपए जमा कराए थे। साथ ही व्यापार में कई तरह के लालच भी दिए गए, मगर 4 महीने बीत जाने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोपी द्वारा रायपुर में एक व्यापारी के साथ इसी तरह की ठगी करने का पता चला और उस मामले में आरोपियों के जेल में होने की बात सामने आई। पुलिस ने कल न्यायालय के आदेश पर आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ शुरू की। इनको रायपुर के सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट में लाए थे, यहाँ इनको हमने पुलिस रिमांड लिया। पुलिस रिमांड पर से हमने अपना जो भी पुलिस की कार्यवाही की हमारी विवेचना की, वो करने के बाद इनको फिर से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
ऊना गांव में वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने अवैध गांजा ले जा रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 52 किलो गांजा बरामद किया है और जिसकी कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी नक्सलियों के गांजे की सप्लाई करते थे और पुलिस ने इससे पहले भी एक गांजा तस्कर को धर दबोचा था। लगातार ये सूचना मिल रही थी कि ओंडा गांव रास्ते होकर के उड़ीसा के जो गांजा सप्लायर्स हैं वो अपना माल जो है वो इंदौर दिल्ली राजस्थान इन जगहों पर भेज रहे हैं। उस सूचना पर पुलिस का सूचना तंत्र है उसे मजबूत किया गया और जो कई बरामदगियां हुई हैं जिसमें कि आज ये 17 क्विंटल जो आप देख रहे हैं इंदौर जा रहे थे गांजा ये पकड़े गए हैं। साथ ही प्लस थाने में 3 दिन पहले इलाहाबाद जा रहे गांजे को पकड़ा गया है। खबर कवर्धा से, जहां पर नगर पालिका में परिसीमन का काम पूरा हो चुका है लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही परिसीमन को गलत बता रहे हैं। इसकी शिकायत भी की गई लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि कवर्धा नगर पालिका में 27 वार्ड हैं जहां पर 55,000 से ज्यादा की जनसंख्या है। नए परिसर में वार्ड की संख्या कम ज्यादा तो नहीं हो रही है लेकिन वर्तमान पार्षद का क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कोरबा नगर निगम कांजी हाउस का संचालन कर रहा है। निगम का काउ केचर वाहन सड़क से मवेशी पकड़कर कांजी हाउस ले जा रहे हैं लेकिन उनकी देखरेख और उचित चारा पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। नगर निगम हर साल बरसात शुरू होते ही सड़क पर मवेशियों की धरपकड़ शुरू कर देते हैं और उसे पकड़कर कांजी हाउस में रखा जाता है। मवेशी मालिक जब तक मवेशी को लेने न आए तब तक देखरेख की जवाबदारी कांजी हाउस की है लेकिन यहां पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। क्या क्या करते हैं पे? यहाँ तो मैं आमद काटता हूँ, रसीद काटता हूँ, रसीद काटने के रिहाई भी करता हूँ, रिहाई का भी रसीद काटता हूँ, काटने के बाद मैं केस जमा करने भी चला जाता हूँ। रायपुर पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा चोरी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि 3 लोग मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इनमें 2 आरोपी यूपी जेल में बंद है। वहीं चोर के पास से 63 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी और 30,000 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। इधर मामले में पुलिस ने कुछ और खुलासे होने की बात भी कही है। बिलासपुर के संप्रेक्षण गृह में अपचारी बालक द्वारा फांसी लगाने का मामला सामने आया है। मृतक चोरी के आरोप में संप्रेक्षण गृह में बंद था। इधर मामले में पुलिस अधिकारी ने जांच के बाद कुछ कहने की बात कही है। वहीं मृतक के परिजनों ने संप्रेक्षण गृह की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और उस व्यवस्था को सुधारने की मांग प्रशासन से की है। रक्षा का मतलब होता है आपको सुरक्षा प्रदान करना। कहीं ना कहीं कर्मचारियों से अधिकारियों से वहां चूक हुई तभी कोई बच्चा आत्महत्या किया है। और ये तो मैं चाहता हूं इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि बच्चा स्वतः आत्महत्या किया है या किसी दबाव से या मानसिक प्रताड़ना से वो आत्महत्या किया है। आज सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सरकंडा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में एक अपचारी बालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी अग्रिम जांच की जा रही है। और